नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूक्रेन युद्ध का निर्णायक काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस काउंटडाउन का कैलेंडर 24 फरवरी पर रुक जाएगा, यानी अगले 26 दिन बाद रूस या यूक्रेन, इन दोनों देशों में से किसी एक की जीत या हार का फैसला हो जाएगा। 24 फरवरी तक युद्ध की तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जंग पूरी दुनिया को भस्म कर देगी। 24 फरवरी 2023 इस तारीख की अहमियत पुतिन भी जानते हैं और नेटो देश भी। इसलिए जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेटो देशों और रूस के बीच जल्दी से जल्दी इस जंग को जीतने की रेस तेज होती जा रही है। इस रेस में वो हथियार डिपो से निकल आए हैं जो रक्त बीज हैं, जिनसे एक बार बर्बादी शुरू हो गई तो रुकती नहीं है। इसीलिए आज 9 बजे के इस स्पेशल रिपोर्ट में देखें 24 फरवरी वॉर मार्कशीट, रूस का रक्त बीज। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 24 फरवरी को क्या होगा, कितना यूरो बाकी बचेगा? ड्रोन के बाद रूस ने 55 क्रूज मिसाइलें लॉन्च की, उनमें से 2 किंजल मिसाइलें थी। हम जानते हैं कि ये मिसाइलें क्या हैं, और दुर्भाग्य से हम उनका पता नहीं लगा सकते हैं, और ना ही वक्त रहते उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। दुर्भाग्य से किंजल मिसाइलें और कुछ दूसरी मिसाइलें लक्ष्य तक पहुँच गयी। जब तक नाटो टैंक आएंगे, पुतिन बड़ा खेल कर जाएंगे। रूस ने 70 मिसाइलें लॉन्च की, जिनमें से 47 नष्ट हुई। वो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले कर रहे हैं। निकाले सर्वनाश के हथियार, 24 दिन में तय जीत या हार। पुतिन का प्लान 24, 50 देश भी पड़ेंगे कमजोर। बाइडेन का कमिटमेंट है कि यूक्रेन में ना बारूद कम होने देंगे ना ही हथियार। 30 नाटो देशों समेत 50 देशों ने यूक्रेन की तरफ हथियारों की इतनी सप्लाई भेज दी है कि उन्हें चलाने वाले हाथ और कंधे कम पड़ जाएंगे, पर हथियार खत्म नहीं होंगे। लेकिन जब तक हथियारों की ये नई खेप रणभूमि तक पहुंचेगी, तब तक तो पुतिन यूक्रेन में खतरनाक खेल कर चुके होंगे। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के मेन बैटल टैंक और सबसे घातक हथियार मार्च तक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या तब तक पुतिन यूक्रेन का खेल खत्म कर चुके होंगे? यूक्रेन की रणभूमि में चैलेंजर 2 टैंक थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जर्मनी के लेपर्ड और अमेरिका के अब्राम्स मार्च से पहले जंगी जमीन पर नहीं उतर पाएंगे। पुतिन ने इससे पहले ही निर्णायक युद्ध का फैसला कर लिया है। युद्ध भूमि में आगे के मोर्चे और खासकर डोनेस्क इलाके में बाखमुत और वोहलदार के पास बहुत तेज हमला हो रहा है। हमलावर न सिर्फ हमारे दफ्तरों और सेना के बेस पर हमला कर रहे हैं, बल्कि जानबूझकर और पूरी योजना बनाकर आसपास के कस्बों और गांवों को भी बर्बाद कर रहे हैं। वो तोपखाने, फाइटर जेट्स और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। रूसी सेना के पास विनाश के साधनों की कोई कमी नहीं है, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ताकत से ही रोका जा सकता है। पिछले 3 दिनों में रूस यूक्रेन के युद्ध में तेजी से वापस लौटा है। नाटो देश जैसे जैसे युद्ध में नए नए हथियारों का ऐलान करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन पर रूस का हमला और बेरहम होता जा रहा है। बाखमुत और वोहलदार में जबरदस्त जंग जारी है। रूसी सेना डोनेस्क और लुहांस से लेकर दक्षिण यूक्रेन तक को घेर रही है, और इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव कई बार परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। मेदवेदेव ने इस बार नई चेतावनी दी है कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो यूक्रेन की समंदर से सप्लाई पूरी तरह काट देंगे। यानी यूक्रेन में पूर्व से लेकर दक्षिण तक पुतिन ने कब्जे की बड़ी तैयारी कर ली है। क्रिमेनिया के पास यूक्रेनी आर्मी पर रूस की बारूदी बारिश हुई। रूस ने यूक्रेनी मिलिट्री डिपो पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए, इतने रॉकेट कि गिनती कम पड़ जाए। धमाकों की बेहिसाब गूंज का असर भयानक बर्बादी के रूप में सामने आया।
रूस ने दावा यह भी किया कि उन्होंने यूक्रेन को इटली से मिली कई होवित्जर तोप भी खाक कर दी, लेकिन जंग तो दोनों तरफ से जारी है। बाखमुत में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बारूद की बौछार कर दी। एक घर में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने आर्टिलरी फायर किया, बिल्कुल रूसी हमले की तरह ताबड़तोड़ और बेहिसाब। यूक्रेन की डिफेंस ने ड्रोन से रूसी सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया, फिर बारूद बरसा दिया। इस हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई, लेकिन यूक्रेन ने बीते 24 घंटे में पुतिन का क्रोध फड़काने का ये अकेला काम नहीं किया है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क प्रांत में नोवोएडर शहर में बच्चों के एक अस्पताल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। जहां ये हमला हुआ, लुहांस्क प्रांत का वो इलाका पूरी तरह से रूसी सेना के कंट्रोल में था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के नोवोएडर शहर के सरकारी अस्पताल पर हमला करने के लिए अमेरिका के हिमार्स रॉकेट का इस्तेमाल किया। इस हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए, जिसमें कई मरीज और बच्चे भी थे। सुना आपने, युद्ध भूमि में हर लम्हे डरते और मरते लोगों को अब ना तो रूसी सेना पर भरोसा है और ना ही यूक्रेन की सेना पर। हर कोई उन्हें अपनी जान का दुश्मन लगता है। अब तक युद्ध में उन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था जिन्हें रोकना एक हद तक तो मुमकिन था, लेकिन अब तो किसी तरह भी जिंदा बचने की उम्मीद मिट रही है, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी युद्ध जीतने की ख्वाहिश में वो हथियार हथियार डिपो से निकाल लिए गए हैं जिनके इस्तेमाल का मतलब ही होता है विनाश की पक्की गारंटी। ड्रोन के बाद उन्होंने 55 क्रूज मिसाइलें लॉन्च की। इनमें से 2 किंजल मिसाइलें थी। हम जानते हैं कि ये मिसाइलें क्या हैं और दुर्भाग्य से हम उनका पता नहीं लगा सकते हैं। उन्हें हम वक्त रहते इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम रूस की किंजल मिसाइलों और 3 X-59 गाइडेड मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे। 24 फरवरी 2023 को युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अब पुतिन चाहते हैं कि 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन समेत यूरोप की हिम्मत तोड़ दी जाए। ऐसा सिर्फ रूस की महाविनाशकारी हाइपरसोनिक मिसाइलों से ही मुमकिन है, और पुतिन अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। रणभूमि में वास्तविक तौर पर पता चलता है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलों की संख्या के मुकाबले हम 3 गुना एंटी मिसाइलें बनाते हैं, या शायद 3 गुना से भी ज्यादा। पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके की जितनी भी मिसाइलें बनती हैं, उससे ज्यादा अकेला रूस बनाता है। सबसे बड़ी बात, हमारे मिसाइल सिस्टम सबसे आधुनिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।